तो एक बार हमारी जो गाइड है उनका वेलकम कर दीजिए। सो ये हमारी गाइड नैनू राम, नाम बढ़िया आपका। हेलो नमस्ते दी अगल मरवानी हाउ लॉच दिस इज ब्लेसिंग तो वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल ग्वाल नाइट में, सॉरी अवर YouTube चैनल ग्वाल नाइट में। तो अभी बज रहे हैं रात के 9:30 और अभी मैं निकलने वाला हूँ जयपुर अपने दोस्तों के साथ में। एंड ये पहली बार होगा जब मैं प्रणवी को छोड़ के फर्स्ट टाइम दूर जा रहा हूँ। थोड़ा सा मतलब अजीब लग रहा है बट सडन प्लान बन गया है हमारा। एक दिन का प्लान है, आज नाइट में ड्राइव करके जाएंगे जयपुर पहुँचेंगे, घूमेंगे, देन शाम के टाइम वहाँ से वापस आ जाएंगे। अभी जाना पड़ेगा बट प्रणवी को बहुत ज़्यादा मिस करूँगा। आई लव यू प्रणवी। थोड़ी देर अभी टाइम बचा है तो थोड़ा टाइम इसके साथ स्पेंड कर लेता हूँ, देर फिर निकलते हैं। सो अभी हम लोग आ चुके हैं जयपुर वाले हाईवे पे, नेशनल हाईवे 21, और हम लोगों ने भरतपुर क्रॉस कर लिया है। एंड अभी भरतपुर के आगे कहीं पर है और कोई आइडिया नहीं है कहाँ पर है। सो ये कोई ढाबा है, ठाकुर होटल ढाबा ऐसे करके है। सो यहाँ पर अभी हमारी गाड़ी ओके। और आपको गाड़ी में एक बहुत बढ़िया चीज़ दिखाता हूँ, हम लोग 6 लोग आए हुए हैं और हमारी जो नेक्सन है वो 5 सीटर है। तो हम लोगों ने 6 लोगों का जुगाड़ जो बनाया है एकदम कंफर्टेबल वाला जुगाड़ बनाया है, तो आपको दिखाते हैं। तो इसमें जुगाड़ हमने ये बनाया है कि हमने जो पीछे की जितनी भी सीट थी वो सारी फोल्ड कर दी है एंड यहाँ पर हम लोगों ने ऐसे बैठने का जुगाड़ बना दिया है। तो मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, ये यहाँ पर कोई सीट नहीं है, सारी सीट फोल्ड कर दी है। तो 4 बंदे पीछे बैठ के आए हैं, 2 आगे, और बढ़िया ये लोग आराम से लेट के आए हैं। तो ये कुछ जुगाड़ बनाई है हम लोगों ने, मतलब यहाँ सीट वगैरह फोल्ड कर दी है और सीट फोल्ड करने के बाद यहाँ पर 2 लोग यहाँ पर और 2 लोग वहाँ पर बैठ गए टिक के आराम से। तो कंफर्टेबली यहाँ पर 6 लोग बैठ जाते हैं। सो अगर आपको भी अपनी नेक्सोन को 5 सीटर से 6 सीटर में कन्वर्ट करना है तो पीछे की सीट फोल्ड कर दो और आराम से आप गद्दा वद्दा बिछा के लेट सकते हो, बैठ सकते हो। सो फिलहाल अभी यहाँ पर हमने कुछ ऑर्डर किया, ये सारे बंदे वगैरह बैठे चाय वाय पियेंगे, टी ब्रेक ले रहे हैं हाईवे के जस्ट सामने। सो फाइनली वी हैव रीच्ड जयपुर सिटी और ये पीछे है हमारे जल महल। एंड आप लोगों ने काफ़ी मूवीज़ वगैरह में देखा होगा, ये है पीछे जल महल। बाकी बैक कैमरे से यहाँ का व्यू दिखाता हूँ। सो ये है जल महल, ये जयपुर की कोई झील है और जिसके बीच में जल महल है। सुबह सुबह के यहाँ का जो नज़ारा है वो देख लो, सामने पेट्रोल पम्प है, वहाँ हमने गाड़ी पार्क की है। एंड यहाँ पर लोग मॉर्निंग वॉक के लिए आए हुए हैं एंड काफ़ी ज़्यादा रौनक है यहाँ पर। एंड ये हमारे बंदे वगैरह दोस्त वगैरह खड़े हुए हैं और बहुत प्यारा नज़ारा है, पीछे पहाड़, यहाँ पर भी पहाड़ और ये झील, झील के बीच में वो जल महल।
सो ये है सामने आमिर फोर्ट, बहुत ही प्यारा। सो फिलहाल अभी हम लोग एंटर कर चुके हैं आमिर फोर्ट के अंदर। सो सामने से एंट्री है और सामने का जो आप एंट्री करोगे तो ऐसा कुछ व्यू है, एंड ये है आमिर फोर्ट ऊपर, कितना प्यारा ये ट्री आ रहा है, एंड ऐसा कुछ यहाँ पर सीन है। सो अगर आप जब एंट्री करोगे तो ये कुछ सीढ़ियाँ हैं जो आपको चढ़ के ऊपर जाना होगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है मैं आपको बता देता हूँ, इस फोर्ट के बारे में जो थोड़ी सी जानकारी हम लोगों ने जुटाई है वो बता देते हैं आपको। ये जो आलन सिंह मीना करके यहाँ के जो राजा थे जिन्होंने ये फोर्ट बनवाया था 978 AD में, एंड इस फोर्ट के पास में सामने ये जो लेक है इसको बोलते हैं माउटा लेक करके नाम है इसका, एंड यही एक सोर्स था पानी का इस आमिर फोर्ट के लिए। सो फिलहाल अभी हम आमिर फोर्ट के अंदर एंटर कर रहे हैं और ऊपर जाके कोई गाइड वगैरह करेंगे तो गाइड वगैरह हमें प्रॉपर गाइड करेगा कैसे क्या हमें अंदर जाना है, कहाँ पर क्या चीज़ें होती थी। सो ये है वो सीढ़ियाँ, यहाँ से चढ़ाई शुरू हो जाती है आमिर फोर्ट के लिए, एंड सामने कुछ ऐसा व्यू है। जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जा रहे हैं हम, खूबसूरती जो है वो बढ़ती जा रही है इस फोर्ट की। सो ये है फोर्ट आमिर फोर्ट, और ये है वो लेक माउटा लेक, एंड इसके बीच में ये खूबसूरत सा गार्डन बना रखा है। ये हमारे आज के गाइड, आपका नाम क्या है? क्या? नैनू राम जी। तो ये हमें यहाँ पर पूरा दिखाएंगे, घुमाएंगे और यहाँ की जो जानकारी है वो हमें पहुँचाएंगे, हम तक, आप लोगों तक पहुँचाएंगे। तो एक बार हमारे जो गाइड है उनका वेलकम कर दीजिए। सो ये हमारे गाइड नैनू राम, नाम बढ़िया आपका। अरे फिर से दिखा दो अपना, लोग पहचानेंगे कैसे अगर कोई आएगा तो, कैसे देखेंगे आपको। तो ये है देखो कितना प्यारा फेस है, छुपा के रखेंगे। सो यहाँ पर ये दो गेट हैं, ये है सन गेट एंड ये है मून गेट। यहाँ से राजा लोग आते थे और इनका वेलकम जो होता था वो यहाँ मून गेट के ऊपर नगाड़ा रखा है वहाँ से होता था, एंड यहाँ पर जो आप ये छोटी छोटी खिड़कियाँ देख रहे हो यहाँ पर राजा के सिलेक्टेड जो सिपाही रहते थे, एंड यहाँ पर अस्तबल वगैरह था, यहाँ पर घोड़े वगैरह इनके बांधे जाते थे। यहाँ पर काली माता का मंदिर है। सो इस पार्ट का आपका कोई टिकट नहीं लगता, आगे जो ऊपर वाला पार्ट है उसका आपको टिकट देना होता है। सो टिकट कितने रुपए है? 100 रुपये, यानी कि 100 रुपीज़ पर पर्सन है। अगर आप स्टूडेंट हो तो अपना कार्ड वगैरह लेके आइए तो 20 रुपीज़ में आपको यहाँ पर टिकट मिल जाएगा पर पर्सन, और अदरवाइज आपको 100 रुपीज़ देने पड़ेंगे। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूँ आपको, ये सामने जो आपको दीवार दिख रही है ये साइड में ऐसी 12 किलोमीटर तक ये दीवार गई है, और ये आमिर फोर्ट के चारों तरफ बनी हुई है 12 किलोमीटर में। ये वर्ल्ड की थर्ड सबसे लॉन्गेस्ट वॉल है जो कि बनी हुई है। फर्स्ट नंबर पे चाइना की ग्रेट वॉल आती है, सेकंड नंबर पे कुंभलगढ़ की आती है। चाइना वाली जो वॉल है वो 200 किलोमीटर में बनी है, कुंभलगढ़ वाली है वो 36 किलोमीटर में बनी है, और ये बनी है 12 किलोमीटर के। सो ये जो पूरी वॉल है ये किले को प्रोटेक्ट करने के लिए बनी हुई है कि अगर कोई अटैक करता है तो जो वॉच टावर है वहाँ से नगाड़े वगैरह बजा कर मैसेज पहुँचाया जाता था। सो आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। सो ये जो गेट है इसमें जो आप पेंटिंग देख रहे हो ये सारे के सारे जो कलर हैं वो नेचुरल, मतलब जो सब्जियों के पालक वगैरह इन सब के कलर से, टमाटर वगैरह इन सब के कलर्स उनसे मतलब निकाल के ये पेंटिंग बनाई गई हैं। तो इसमें सारे के सारे नेचुरल कलर्स हैं, और यहाँ पर जोधा अकबर मूवी का सीन शूट हुआ था जहाँ पर ऐश्वर्या राय वहाँ से ऋतिक रोशन का वेलकम करते हैं। सो ये है, एंड ये है एक दरबार जहाँ पर लोग अर्जी देते थे। सो सामने है केसर गार्डन, और यहाँ पर बाजीराव मस्तानी और यहाँ पर मणिकर्णिका और जोधा अकबर, तो इन सारी मूवीज़ की शूटिंग हुई है, और बाजीराव मस्तानी मूवी का एक गाना भी यहाँ पर शूट हुआ है। एंड जब बाजीराव मस्तानी में मूवी में बाजीराव जब लास्ट सीन होता है जिसमें वो ख़त्म होते हैं वो सीन भी यहीं पर ही शूट हुआ था। सो ये सारा का सारा जो सी स्मेल है ये बेल्जियम से कांच लेके आए गए थे, एंड इसमें सारे के सारे जो लेंसेज लगे हैं वो कॉन्वेक्स लेंस लगे हैं, एंड इसमें ऐसा है कि अगर आप नीचे कोई भी टॉर्च वगैरह जलाते हो तो सभी जगह पर लाइट आ जाती है। इस फोर्ट में कवर करने को काफ़ी सारी चीज़ें हैं, पीछे सी स्मेल है, बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो कि हमने गाइड किया वो हमें बता रहे हैं, बट मैं हर चीज़ आज के ब्लॉग में कवर नहीं कर सकता क्योंकि ये ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। सो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको आज के ब्लॉग में बता रहा हूँ, बाकी आप यहाँ पर आओ और एक्सपीरियंस करो इन सब चीज़ों को, खुद से जानो,
क्योंकि ये फोर्ट बहुत रिच है, मतलब है ना इसका जो जो हिस्ट्री है वो बहुत रिच है। जब मैं यहाँ पर आया, गाइड किया, उन्होंने बताया तो सब समझ में आया। सो सारी चीज़ मैं यहाँ पर कवर नहीं कर सकता। तो ये सुरंग है जो 3 किलोमीटर अंदर तक जाती है, एक सामने वो और एक जहाँ पर हम खड़े हैं, ये योगा स्टैंड है। यहाँ पर खड़े होके रानी योगा करती थी सुबह। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो ये वॉल है ये पूरा 12 किलोमीटर में फैला हुआ है। तो पुराने ज़माने में जो रानियाँ होती थी उनका प्राइवेट मार्केट हुआ करता था। तो ये है मीना बाज़ार, जो कि स्पेशली रानी के लिए लगाया जाता था, इसलिए इसका नाम है मीना बाज़ार। ये पूरा मार्केट है जहाँ पर शॉप्स वगैरह लगती थी पुराने टाइम पे। रानी बाहर नहीं जाती थी महल के अंदर ही उनके लिए बाज़ार लगाया जाता था और यहाँ से वो शॉपिंग करती थी। तो पुराने टाइम पे मॉल वगैरह जो होते थे, मार्ट वगैरह जो होते थे, वो रानी के पास खुद चल के आया करते थे। सीढ़ियाँ देखो कितनी खतरनाक है। ओ भाई साहब, बड़ी खतरनाक सीढ़ियाँ, एकदम लंबी लंबी। पुराने ज़माने में राजाओं के पैर बड़े लंबे लंबे हुआ करते थे, समझ गया मैं। राजा वगैरह फिट कैसे रहते थे? उनका महल इतने लंबे लंबे हैं तो फिट तो रहेंगे ही वो। हाँ कितने, 6 फीट, 7 फीट लंबा। भाई पुराने जमाने में राजा की हाइट 7 फीट हुआ करती थी। 5 किलो जलेबी, 5 किलो दूध की जरूरत पड़ती थी उसको। भाई इसीलिए उसके हिसाब से वो हाइट है, वो सीढ़ी है ना जो नॉर्मल 5 किलो दूध। एंड अभी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट पता पड़ा, वो ये कि राजा ने 12 शादियां क्यों की, वो ये क्योंकि 12 राशियां होती हैं इसलिए 12 रानियों से शादी की। हर एक रानी की एक अलग अलग राशि थी ताकि उसकी जो तकदीर है वो चमकती रहे। तो ये है पुराने टाइम का बर्तन जहाँ पर सैनिकों के लिए खाना बनता था। तो ये पुराना वाला है और ये ये बाद में बनाया गया है, जो कि जो जावगर मूवी के लिए बनाया गया था। सो ये पुराना वाला है और ये अभी नया वाला मूवी की शूटिंग के लिए बनाया गया था। सो दिखा देता हूँ। तो इसमें 5000 लोगों के लिए खाना बनता था। तो अभी हम लोग बैठे हुए हैं ये जीप में, ये जीप हमको लेके जाएगी नीचे जहाँ पर एक मार्केट लगता है लोकल। तो अभी हम उस मार्केट में घूमने जा रहे हैं। सो आमेर फोर्ट का जो हमारा टूर था वो कंप्लीट हो चुका है। अभी हम नीचे मार्केट में गए थे, वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें थी जहाँ पर वीडियो वगैरह बनाना अलाउड नहीं था, तो वो चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। बेसिकली वहाँ पर ब्लॉक पेंटिंग कैसे की जाती है और ब्लॉक पेंटिंग में क्या प्रोसीजर रहता है उन्होंने करके बताई, और वो बहुत यूनिक स्टाइल है इनका जिसमें सारे के सारे वेजिटेबल्स के कलर यूज करते हैं। तो जिस वजह से वो नहीं चाहते थे कि हम उसका वीडियो बनाएं, और क्योंकि इनका एक यूनिक टाइप है, एक यूनिक स्टाइल है, और वो चाहते हैं कि लोग यहाँ पर आएँ और आके उसको देखें। सो हम लोगों ने भी उनकी काम की रिस्पेक्ट की और वहाँ पर व्लॉग नहीं बनाया। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि जब राजा यहाँ से आते थे तो इस साइड में नगाड़े बजते थे, तो ये नगाड़ों की आवाज़ अभी आप सुन सकते हो, नगाड़े यहाँ पर बज रहे हैं। आई होप कि आवाज़ आ रही होगी आपको क्लियर। सो आमेर फोर्ट का जो हमारा एक्सपीरियंस था वो बहुत लाजवाब रहा, मतलब बहुत सारी चीज़ें हमने कवर की, और थैंक्स टू अवर गाइड जिन्होंने हमें इतनी सारी चीज़ें डिटेल्ड में, मतलब हर एक जगह ले जाके उन्होंने डिटेल में बताया और इतनी सारी चीज़ें उससे हमें अवगत करवाया। और मैं अगर आपको एक एडवाइस दूँ, अगर आप मानो तो वो ये है कि अगर कभी भी आप आमेर फोर्ट आ रहे हो या फिर ऐसी कोई जगह आ रहे हो तो आप गाइड ज़रूर करो, बिकॉज गाइड अगर आप करते हो तो वो आपको ऐसी ऐसी जगह पर लेके जाता है जहाँ पर आप हो सकता है कि ना जाओ या फिर ना पहुंच पाओ, क्योंकि हो सकता है कि वो जगह आप से मतलब आपके नगाहों में ना आ पाएँ या फिर आप उन जगहों को एक्सप्लोर ना कर पाओ किसी कारणवश, यहाँ पर आप वहाँ पर ना पहुंच पाओ। बट गाइड को वो सारी जगह पता होती हैं तो वो आपको वहाँ पर ज़रूर लेके जाएगा और वहाँ की डिटेल में हर एक चीज़ आपको बताएगा, इसलिए गाइड करने का अपने अलग एडवांटेज रहते हैं। और आप इतनी दूर कहीं आ रहे हो तो गाइड करो जिससे कि आपको बहुत सारी चीज़ें पता पड़े। मतलब मैं गाइड को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ बट बता रहा हूँ, हमें ऐसी जगह एक्सप्लोर करने को मिली जो हम अगर खुद से घूमते तो शायद हम वहाँ पहुँच ही नहीं पाते, बट गाइड के थ्रू वहाँ पर गए। आपको ब्लॉग में पता ही पड़ा होगा, जैसे कि वो गाड़ी थी, वो गाड़ी गाइड वालों के ही कॉन्टेक्ट वालों की रहती है, तो हमें वो मार्केट में लेके गए, ब्लॉक पेंटिंग के बारे में उन्होंने बताया, हम खुद से नहीं पहुँच पाते वहाँ पर, बट थैंक्स टू अवर गाइड
सो फिलहाल आज के ब्लॉग को यहीं पर करते हैं एंड, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है और आगे जो भी हम जगह जाएंगे घूमने वो आपको आने वाले ब्लॉग में पता पड़ ही जाएंगी और वहाँ के जो ब्लॉग होंगे वो उसमें हम डिटेल में कवर करेंगे। और लेकिन आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं इस वाले ब्लॉग को, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। तो इसके बाद वाला जो ब्लॉग होगा उसमें और जगह हम कवर करेंगे वो हम बता देंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और नेक्स्ट ब्लॉग के लिए वेट करना, जल्दी आएगा।